मेरा नाम है रामीन छिकेल और मैं क्लास 9 की बायो की स्टूडेंट हूँ। थी एजुकेटर में भर्ती हूँ लेकिन मैं अभी अपने स्कूल को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। मैं तमाम स्कूलों की तरफ से बोल रही हूँ। मैं मुखातिब हूँ वज़ीर आला सिंध से। मुझे उनसे एक शिकायत है, उन्होंने साय कारोबार, शॉपिंग मॉल्स, मजलिस इन सब की इजाज़त दे दी है SOPs का ख्याल रखते हुए, लेकिन स्कूल नहीं खुले। क्यों? 2 साल से हमारे जो है साल ज़ाया हो रहे हैं, बच्चों के जो है पढ़ाई ज़ाया हो रही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल खुले और जो है हम भी पढ़ सकें। 2 साल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही जो है सफ़र कर रहे हैं। हालांकि बीच में खुले थे लेकिन 6 SOPs में हमने फॉलो की थी, सब कुछ फॉलो किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। आज 14 अगस्त है और आज भी इन्होंने किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया कि हम लोग ये 14 अगस्त कैसे बनाए। लेकिन अभी भी जिनके दिल में जोश और जज्बा है, पाकिस्तान के लिए प्यार है, वो अभी भी 14 अगस्त मना सकते हैं, वो भी घर में। हम लोग जो है घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं 14 अगस्त, जैसे मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया। मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाती हूँ। तो ये है मेरी पेंटिंग जो मैंने बनाई है 14 अगस्त पे। ये है कोरोना और ये है डॉक्टर जो आपस में लड़ रहे हैं असली में। ये है बिल्डिंग जिसमें जो है लोग 14 अगस्त में आए हैं, हालांकि लॉकडाउन है। मैंने लॉकडाउन किस तरीके से डिस्क्राइब किया, मैंने यहाँ पे 2 चेन्स बनाई हैं और बीच में एक लॉकडाउन बनाया है, लॉक बनाया है कोरोना वायरस का, जिससे ये डिस्क्राइब हो रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन है। यहाँ पे स्कूल है जो क्लोज़ है, नीचे शॉप्स हैं जो क्लोज़ है, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी प्यार है, वो जज्बा है, जिससे वो 14 अगस्त बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से वो खुशियों से मना रहे हैं। तो इसीलिए हम भी इसी तरीके से मना सकते हैं। और आप लोग, आप स्टूडेंट्स वगैरह इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि हमारे स्कूल खोल दिए जाए, ताकि हमारी पढ़ाई भी जाए इस तरीके से, फिर हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।